हे व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आप लोगों को स्वागत है मेरे एक अनदर ब्लॉग में। तो अब तक तो आप देख रहे थे, हम अपने ही काम से इधर उधर घूम रहे थे ऑल ओवर इंडिया। अब इस एक बार फिर हम जा रहे हैं खतरनाक एक जबरदस्त टूर पे। तो इस बार मैं अपने काम से नहीं, एक फ्रेंड के काम से जा रहा हूँ, और किस काम के लिए जा रहा हूँ तो आपकी ये मिस्ट्री रहेगा, वो आपको बाद में दिखाएंगे। तो मिलिए हमारे फ्रेंड से, देखिए इस बार हमारे ब्लॉग में ये है। और हमारा ये टूर है बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा स्टंट भी करते रहते हैं हर जगह। चलिए आप चलते हैं फिर। ये देखिए कहाँ पे हम, लोकेशन देखिए, फिलहाल बलिया स्टेशन पे हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So guys, पता चला है कि एक नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आएगी, तो यहीं पे हम लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है गाइस, जब बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा भूख भी लग गया था, अकेले उड़ा दिए, देख रहे हैं इसको। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? तो शायद अब ट्रेन आने वाली है, बस कुछ ही टाइम में ट्रेन आएगी। तो फाइनली ख़त्म हो गया है, अब चलते हैं हम थोड़ा स्वच्छ भारत अभियान को देखते हुए। यहाँ पे डस्टबिन में नहीं, ये गंदा है, इसमें नहीं, इसमें देखिए। और ट्रेन का वेट बहुत देर से हम लोग कर रहे हैं, तो ट्रेन आएगी। और देखिए हमारे फ्रेंड वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और देखिए काफ़ी वेट है यहाँ पे, शायद आ रही है कि नहीं, अब पता नहीं। गाइस, बरसों पुराना इंतज़ार हमारा ख़त्म हुआ, अरे मतलब दो चार घंटे का वेट ख़त्म हुआ, अब ट्रेन शायद आ रही है। और सीक्रेट की बात जो मैं बता रहा था ये थी कि हम लोग टिकट्स कर रहे थे बट मिला नहीं है, वैसे ही जा रहे हैं। भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जो भी होगा देखा जाएगा, देखते हैं, फाइन होगा तो देंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं। तो शायद ट्रेन आ रही है, देखिए इस ट्रेन की बहुत ज़्यादा वेट किए हम लोग, ये टाइम से बहुत ज़्यादा ही लेट है। तो इसके बारे में अभी कंप्लेन जाएगा रेलवे मंत्री के पास, क्यों जाएगा कि नहीं। और देखिए फाइनली ये आ गई, और हम लोग अपना सीट कवर करेंगे। लोग इतना एक्साइटेड है, हम लोग भी और एक्साइटेड। और गाइस देखिए हम लोग भी अपना सीट कवर करेंगे यहाँ से, देखिए। और हमारे फ्रेंड जो कि ये आगे हैं और हम पीछे, और सीट इन्हीं को पता है ये कहाँ है, तो ये देखिए चल रहे हैं अब। सो फाइनली वी इंटर्ड, और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है। और हमारा सीट जो कि बहुत पास में फ्रेंड है। फाइनली गाइज हम लोग आजमगढ़ आ गए हैं, ये देखिए पीछे आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास कोई टिकट्स था नहीं, बट फिर भी हम लोग आ गए। कैसे सर्वाइव किए, बहुत ही इजी था सर्वाइव करना, मतलब हम लोग भागे नहीं, जो भी था मतलब फेस किए, और स्टूडेंट के बेस पे हम लोग इजीली आ गए। अभी ट्राई कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या हुआ था। सो गाइस जब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं अपने टारगेट पे, बहुत ही एक अर्जेंट काम लेके आए हैं। चलिए निकलते हैं हम लोग, बहुत खतरनाक व्हीकल बुक किए हैं, भाई राइडर है थोड़ा। फाइनली हम लोग ई रिक्शा में बैठेंगे, और आगे हम बैठूंगा, आगे हम बैठूंगा। झूठ बोल रहा है, नो 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 नो, आई एम टेलिंग इट। और ये आपको एक बार और दिखा दे रहा हूँ यहाँ का व्यू, ये आजमगढ़ का व्यू है। और हमारी देश की शान देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर, तो चलते हैं। तो गाइस हमारा ऑटो का सफर खत्म, देखिए भाई को हम ऐसे दे चुके हैं, अब हम जाने वाले हैं ऑटो में। ये देखिए इंडिया की सबसे बेस्ट सवारी, और मेरा फ्रेंड्स अकेले जगह ले लिया। ओह भाई ने पैसा कम दिया था, भाई बहुत ईमानदार है, थैंक यू भाई, थैंक यू। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम है।
चलिए अब चलते हैं फिर। सो फाइनली गाइज, हम आ चुके हैं अपने मंजिल पे, जिसके लिए हम बलिया से यहाँ तक इतने स्ट्रगल के बाद आए हैं। और ये जो हाईवे है, इसको पार करने में कम से कम 5 मिनट लग गया। बहुत हाई स्पीड यहाँ पे गाड़ी आ रही है। सो गाइज, अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम क्यों और किस लिए आए थे। तो पहले दिखा देते हैं, बाद में बताएंगे किस लिए आए थे। देखिए ये लोकेशन हमारा। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, इतनी दूर से हम लोग यहाँ पे आए थे। और आइए आपको दिखाते हैं कि क्या किस काम के। यहाँ से कुछ डील करना था हमको। चलिए फिर चलते हैं अंदर ऑफिस में और वहाँ पे डील करते हैं। सो लेट्स गो। तो गाइज हम लोग एजेंसी के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये एक्सीडेंट की सारी गाड़ियाँ इस साइड खड़ी हैं और मॉडिफाइड वाली गाड़ियाँ इस साइड हैं और हमारी गाड़ी जो कि इसी साइड मिलेगी और हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है जो कि देखिए यहाँ आप देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आप पहले से कितना बेस्ट लग रही है। चलते हैं। देखिए इसी का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत डेंजर, और अब समझ नहीं आ रहा है ये। अब बहुत अच्छा सा मॉडिफाई हुआ है और हम लोग इसको थोड़ा इंक्वायरी कर रहे हैं अंदर बाहर। बाहर से तो एकदम मस्त लग रही है, थोड़ा अंदर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग आए थे यहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए, जो कि देखना था कि सही चल रही है या नहीं, और यहीं से तेल लिया जाएगा डायरेक्ट घर के लिए। आइए दिखाते हैं थोड़ा सा। और चल ले चुके हैं हम लोग घास में। तो गाइस जिस काम के लिए आए थे वो अप्रोक्स कंप्लीट हो चुका है और हम लोग निकल चुके हैं बलिया के लिए। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोग देखेंगे कि हर एक साधन का यूज किए, ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, हर चीज़। और देखिए अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं खुद की पर्सनल कार में और भाई ज़बरदस्त ड्राइविंग करते हैं। सो अब बहुत ही तगड़ा वाला मज़ा आने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ खतरनाक एडवेंचर देखने के लिए। सो फाइनली अब बलिया एंट्री होने वाली है बलिया रोड में। और आप देख सकते हैं गाइस, ये देखिए बाहर का वातावरण, ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस। उधर से हम लोग अभी नहीं जाने वाले। दिन में ड्राइव कर रहा है, मैं रात में ड्राइव करूंगा। तो बलिया, सॉरी, आजमगढ़ से बलिया जाने के लिए डे नाइट दोनों ही लगा देंगे हम लोग, तो बहुत मजा आने वाला है। तो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, तो चलिए थोड़ा रिमिक्स सॉन्ग भी सुनते हैं और देखिए हमारा सॉन्ग सिस्टम। अभी हम लोग एक जगह पे रुके हुए हैं, एक बहुत खतरनाक चीज देख लिए हैं जो कि सिर्फ सीजन में एक बार देखने को मिलता है। तो चलिए अब दिल थाम के बैठिए क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही तगड़ा वाला चीज। तो गाइज ये देखिए, ये सिर्फ मिलता है बलिया के ददरी मेला में, बट यहाँ पे मिल रहा है तो हम लोगों से रहा नहीं गया। एक साल कौन वेट करेगा। ओ तो भाई दीजिए, थोड़ा भाई को टेस्ट कराइए। और देखिए हमारे फ्रेंड अब टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है, तो हमको भी थोड़ा लालच आ रहा है, बट क्या कर सकते हैं। ओ माई गॉड, भाई मिलेगा क्या? खा रहे ऐसे ऐसे खरीद के खा रहे हैं भाई, गजब भेजते हैं। बहुत बहुत टेस्ट। और हमारे अंकल बता रहे हैं टेस्ट के बारे में। वाह, गाइस हम भी खाए हैं, थोड़ा उतना बुरा भी नहीं, अच्छा है। तो भाई अब दीजिएगा। तो गाइस काफ़ी टाइम के बाद ददरी मेला वाला फीलिंग यहाँ पे आया है। हमारे बलिया में साल में बस एक बार ये चीज़ मिलता है, बट यहाँ पे अब शायद परमानेंट मिल रहा हो। तो खाने के बाद उंगली चढ़ने मन कर रहा है यार, वाकई मज़ा आ गया, सो टेस्टी। तो गाइस फाइनली हम लोग ले लिए हैं, अब चल रहे हैं। तो चलिए थोड़ा इसको रख लेते हैं, पीछे रख लेते हैं इसको सेफली।
यहाँ सेफ रहेगा ना। तो गाइस चलते हैं अब, जिसको भी चाहिए बता देना, थोड़ा सा बचा दूंगा, ठीक है। तो गाइस फाइनली हम लोग मऊ में आ चुके हैं और ये देखिए बारिश का मज़ा, गाड़ी के अंदर से वाकई मज़ा आ गया। और गाइस हम लोग यहाँ पे, सच कहूँ झूठ क्या बताना आप लोगों से, मऊ में आके थोड़ा भूल गए हैं, गली गली घूम घूम के थक गए हैं। यहाँ पे देखिए हमारा रेंज जो कि है बहुत कम हो गया है, बस 188 किलोमीटर बचा है बलिया पहुँचने, देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं, पहुँच जाएंगे लग रहा है। तो गाइस धासु भूख लगा था यार, सिर्फ खाने के नाम पे हम लोग 10 किलोमीटर दूर आए हैं, मतलब बैक आए हैं। और ये देखिए ये वाइट ढाबा मऊ में सबसे फेमस है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं फिर। हम लोगों का आ गया है बिरयानी, देखिए और अपना भाई शुरू करता है धासु, तो अब हम भी शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत देखिए गाइस हम लोग खा चुके हैं फाइनली, बहुत ज़्यादा भूख लगा था। और वेजिटेरियन वाले भाई से रिक्वेस्ट है कि दिल पे ना ले, क्योंकि बहुत कंट्रोल किए थे यार, इसलिए बिरयानी के लिए हम लोग आधे मर्ज मऊ आए थे खाने के लिए। तो हमारी जो फ्रेंड है वो यहाँ से तक ड्राइव कर ली, अब यहाँ से मेरी बारी, आइए चलते हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Guys, अब देखिए मेरे बस की बात नहीं है, ये भाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं जाऊंगा तो लगा 3 दिन लग जाएगा बलिया पहुंचने में। फिर चलते हैं अब, चलिए अब होगा भाई का जलवा। चलो भाई, सो फाइनली गाइज अपने शहर बलिया हम लोग आ ही गए, और ये टाइम देख सकते हैं, सुबह के निकले हम लोग एकदम 7 बजे अप्रोक्स आ गए हैं। और फील कीजिए सॉन्ग जो हम फील कर रहे हैं, तेरा पास और भाई काफी थक गए हैं, इतना ड्राइव कर रहे हैं, ये है खुदा की। गाइज मैं तो सो लिया कई बार या इस सीट का फायदा उठा लिया, बट भाई लगातार ड्राइव कर रहे हैं, तो मानना पड़ेगा भाई को। और मतलब बिना थके बिना रुके लगातार बस बिरयानी के बेस पे, जो आप देखे थे टूड़े थे खतरनाक एकदम, जितना खाए नहीं उतना तो छोड़ दिए, और ये अच्छी बात नहीं है छोड़ना, बट फिर भी क्या कर सकते हैं। तो फाइनली गाइज हम बलिया एंट्री कर लिए हैं, आप देख सकते हैं बलिया का टैग, और यहीं से काफी पास में ही मेरा घर, तो चलते हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली आ ही गए हैं, और बहुत ज्यादा थके हुए हैं, तो चलते हैं अब घर, तो मिल लेते हैं भाई से यहीं पे, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में अपने स्कूल में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।